उपखंड के सबसे बड़े राजकीय अमृतकर अस्पताल में आए दिन डॉक्टर के साथ रोगी परिजन या रोगी अभद्रता के साथ साथ मारपीट तक कर देते हैं, जबकि एक चिकित्सक रोगी के उपचार के लिए ही वहां पर तैनात रहता है, लेकिन रोगी और उनके परिजनों में धैर्य के अभाव में अक्सर ऐसी घटनाएं अस्पताल में देखने को मिलती है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार रात को उस समय घटित हुआ जब बर निवासी 20 वर्षीय अकरम पुत्र बुद्धा ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक दवा का सेवन करने पर उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकौर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे उपचार के लिए CCU वार्ड में भर्ती कर लिया। इस दौरान रोगी के उपचार हेतु जब डॉक्टर श्रीवास्तव और नर्सिंग स्टाफ उसके नाक में राइस ट्यूब लगा रहे थे, इस दौरान अकरम ने डॉक्टर श्रीवास्तव के साथ अभद्रता करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की तक कर दी, जिसके कारण डॉक्टर श्रीवास्तव के कपड़े फट गए और घटना के दौरान उनका चश्मा भी नीचे गिर कर टूट गया। वही घटना को अंजाम देकर रोगी अकरम अस्पताल से भाग गया। हालांकि इस संबंध में डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन से डॉक्टरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। परिजनों ने उनको समझाया पर वो नहीं माना, परिजनों ने उनको मारा भी। उसकी माँ पैर पड़ रही थी, हमको चिंता इस बात की थी कि जहर फैल नहीं जाए, परंतु उसने बहुत एग्रेसिव हो गया। उसने मुझ पर हाथ पैर उठाया और आखिर में हमको लिखवाना पड़ गया कि हम यहाँ पर इलाज नहीं करवाना चाहते। वो यहाँ पर इलाज कराना नहीं चाह रहा था और परिजन अपनी मर्जी से उसको लेके गए, लिखवा के लिया है हमने उनसे, और इसकी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति से मिली। इसके दौरान मेरे कपड़े में थोड़ी सी दिक्कत आ गई और लॉकर टूट गया मेरा, और चश्मा भी टूट गया, चश्मा उनको नया बनवाना पड़ गया आता हूँ। तो इस तरह घटना हॉस्पिटल में हो रही है, तो लगता नहीं कि चिकित्सक सेफ है काम करने के लिए। मुझको गुस्सा आता नहीं है, पर मैं शांति से बात करता हूँ, पर ये तीसरी घटना मेरे साथ हुई है। इसको सोचता मैंने तो उनका वो घर वाले वैसे ही परेशान है, देखते हैं क्या फैसला करते हैं हम लोग। तो सूचना तो देनी पड़ी क्योंकि स्टाफ के साथ इस तरह की बात होना, और भी स्टाफ होते हैं, ट्रॉली मैन भी होते हैं, अपर वार्ड बॉयज भी होते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी होते हैं, उनके साथ इस तरह की बात होती है तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है।